आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। छतरपुर जिले के बड़ा महरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए साध्वी रामसिया भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। टीकमगढ़ जिले की रहने वाली हैं रामसिया भारती। बचपन से प्रवचन करने वाली, भगवा भेष में रहने वाली रामसिया जी को BJP की फायर ब्रांड नेता उमा भारती की समकक्ष कांग्रेस ने उतारा है, क्योंकि यह सीट हमेशा से ही उमा भारती की परंपरागत सीट रही है। बड़ा महरा सीट पर हमेशा से चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जाता है। उमा भारती के परंपरागत लोधी वोट बैंक में स्वयं लगाने के लिए उनकी ही जाति से कांग्रेस ने रणनीति के तहत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं BJP के लोधी जाति के प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट दी गई है, लेकिन रामसिया के प्रत्याशी घोषित होते ही कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। रामसिया ने नाराज कार्यकर्ताओं को मना लेने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि बड़ा मलहरा विधानसभा में विकास करूंगी। साथ ही उन्होंने कहा उमा भारती ने बड़ा मलहरा क्षेत्र को छला है और हमेशा यहाँ के लोगों की वोट ली गई है, पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। मैं संत प्रवृत्ति की हूँ, संत हूँ, तो मुझे क्षेत्र की जनता बहुत प्यार करती है और मुझे क्षेत्र के ही मानते हैं। वो लोग सब क्षेत्र का मानते हैं कि मेरे क्षेत्र की हैं। और चूंकि एक दो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो हालांकि वो कह तो ठीक ही रहे हैं कि मेरा जन्म टीकमगढ़ जिले में हुआ है, पर मासी जी गुड़ लाई थी, तो गुड़ लाने का मतलब यही होता है कि मैं यही की हूँ। आपके खिलाफ विरोध चल रहा है, उसको किस तरह शांत करेंगे? बिल्कुल अच्छी तरह से शांत करूंगी। मेरे परिवार के लोग हैं और मेरी कांग्रेस पार्टी के लोग इतने नाराज कभी नहीं होते हैं कि वो बहुत ज्यादा विरोध करें, वो मेरे साथ रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? जी, मुद्दे हमारे यही हैं कि हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा को विकास पुरुष की आवश्यकता है। यहाँ छलने वाले लोगों की जरूरत नहीं है बड़ा मलहरा को, और इन्होंने जो छलने का काम किया है ये वहाँ नहीं चलेगा। तो क्या उमा भारती जी ने क्षेत्र को छला है? अब वो तो जनता तो जानती है, जनता इसका जवाब देगी। आप बताइए ना, आप चूंकि चुनावी मैदान में हैं। जी जी, उमा भारती जी को आप किस रूप में देखती हैं? वो चूंकि उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है वो। जी जी, तो जितना होना चाहिए तो उतना हुआ कि नहीं हुआ है? जी मैं इसके बारे में और जनता सब जवाब देगी।